फ्रेंड्स, अगर आज की डेट में अगर आप सभी YouTube पे सर्च करते हैं हाउ टू ग्रो अ YouTube चैनल या हाउ टू ग्रो अ YouTube चैनल इन 2020 या 2021 कुछ इस तरीके से अगर आप सर्च करते हैं तो आपके सामने YouTube की टिप्स एंड ट्रिक्स की बहुत सारी वीडियोस आ जाएगी। बहुत सारे चैनल्स ने जो है ऐसी वीडियोस डाली हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, उनका डालना भी सही है, वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं कि हमने कैसे अपने YouTube चैनल को ग्रो किया। लेकिन अगर मैं आज की डेट की बात करूं, करंट टाइम में क्या हो रहा है YouTube पे, अगर आप व्यूज़ पाना चाहते हैं तो शॉर्टकट जो है आपको बहुत सारे बताए जा रहे हैं कि आप बैकलिंक्स का यूज़ करो YouTube पे और अपने चैनल को ग्रो करो। फ्रेंड्स, क्या वाकई में बैकलिंक से चैनल को ग्रो किया जा सकता है या वाकई में ग्रो होते हैं, इसकी पूरी की पूरी सच्चाई जो है, इसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम जो है आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना, तभी आप अच्छे से समझेंगे कि क्या वाकई में बैकलिंक यूज़ करने से आपका चैनल ग्रो होगा या नहीं। यहाँ पे मैं फ्रेंड्स वेबसाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वेबसाइट में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिमिलर हैं। यहाँ पे फिलहाल मैं YouTube चैनल की बात कर रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं बैकलिंक्स किसको बोलते हैं, इसके क्या क्या एडवांटेज जो है हमें देखने को मिलते हैं। इस बात को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आपके चैनल है, आपके चैनल का लिंक कोई दूसरा चैनल अपने चैनल में ऐड कर ले तो ऐसे उस चैनल का ट्रैफिक जो है आपके चैनल के पास आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर कोई यूज़र चाहे तो वो वहाँ पे आपके लिंक पे क्लिक करके आपके चैनल पे डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो यानी कहने की बात है कि आपके चैनल पे ट्रैफिक आ सकता है। ठीक है, और ऐसे ही अगर आप चाहें अपने चैनल पे किसी दूसरे चैनल का लिंक ऐड करके करना तो आपके चैनल से उस चैनल के पास जो है ट्रैफिक जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बैकलिंक्स का इतना ज़्यादा एडवांटेज जो है देखने को मिलता है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम थोड़ी सी कुछ टेक्निकली बातों को समझते हैं कि यूट्यूब में सिस्टम कैसे वर्क करता है और उसका क्या एडवांटेज देखने को मिलता है। अब यूट्यूब में एक फ़ीचर है चैनल फीचर्स के नाम से, यहाँ पे आपको किसी भी चैनल को फीचर करना पड़ता है, यानी उस चैनल का बैक लिंक जो है आपको ऐड करना पड़ता है। मेरे केस में मैंने साइंस फैक्टर्स को ऐड किया हुआ है, साइंस फैक्टर्स मेरा ही चैनल है, दूसरा चैनल, तो मैंने उस चैनल को ऐड किया हुआ है। तो और साइंस फैक्टर्स पे मिस्टर बॉट को ऐड किया हुआ है, तो दोनों ही चैनल को जब भी मैं यूट्यूब सर्च में सर्च करता हूँ तो कहीं ना कहीं मिस्टर बॉट की वीडियोस भी शो होती है जब भी मैं साइंस फैक्टर को सर्च करता हूँ, और जब भी मैं मिस्टर बॉट को सर्च करता हूँ तो वहाँ पे साइंस फैक्टर की वीडियोस भी शो होती हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ एडवांटेज जो है बैकलिंक्स का ये देखने को मिलता है। तो आप समझ गए होंगे कि बैकलिंक्स क्या होती है और इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं। बैकलिंक्स जनरली टू टाइप्स की होती है, पहली होती है डू फॉलो लिंक और दूसरी होती है नो फॉलो लिंक। इन दोनों लिंक्स में बिल्कुल सिमिलर सा डिफरेंस है। डू फॉलो लिंक को सर्च इंजन प्लस यूज़र दोनों ही उस लिंक को फॉलो करते हैं। अब एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा जब भी आप YouTube पे कोई भी टॉपिक सर्च करते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस शो होती है, तो ऐसे में जो सर्च रिजल्ट्स आते हैं वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू आते हैं, यानी जो सर्च इंजन है उसने आपको रिजल्ट शो किया। अब यूज़र जो है उस लिंक्स पे क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्च इंजन और यूज़र दोनों ही उस लिंक के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन नो फॉलो लिंक्स में एकदम अपोजिट होता है। नो फॉलो लिंक्स में क्या होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे यूज़र ही इंटरेक्ट करता है लिंक के साथ, लेकिन उसमें जो सर्च इंजन है उसका कोई भी रोल नहीं होता है। अब इस बात को एग्जांपल से समझते हैं। आपने देखे होंगे बहुत सारे पॉपुलर चैनल्स होते हैं, जैसे अपनी वीडियोस को पब्लिश करते हैं तो वहाँ पे नीचे बहुत सारे लोग जो है स्पैम करने आते हैं, नीचे कमेंट में अपने चैनल का लिंक्स दे देते हैं, किसी वीडियो का लिंक दे देते हैं या इससे अच्छी वीडियो ये है इसको देखिए, कुछ इस टाइप से जो है स्पैम करते हैं। तो ऐसे केस में उन लिंक्स के साथ जो है सिर्फ यूज़र ही इंटरेक्ट करता है, यानी अगर कोई यूज़र कमेंट करने आ रहा है या पढ़ने के लिए आ रहा है तो चाहे तो क्लिक करके जो है उस लिंक पर देख सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उस लिंक के साथ सर्च इंजन जो है कोई भी इंटरेक्शन नहीं दिखा रहा है, लेकिन यूज़र वहाँ पे इंटरेक्शन दिखा रहा है। तो अब आप आई थिंक अच्छे से जान गए होंगे कि डू फॉलो लिंक्स और नो फॉलो बैकलिंक्स में क्या डिफरेंस होता है। अब इन बैकलिंक्स की भी फ्रेंड्स क्वालिटी होती है, लो क्वालिटी बैकलिंक्स और एक हाई क्वालिटी बैकलिंक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जितनी भी लो क्वालिटी बैकलिंक्स होती है इसमें पोर्नोग्राफिक कंटेंट, ठीक है, और मान के चलते हैं गैम्बलिंग, और जहाँ पे सब फॉर सब चैनल का लाइव प्रमोशन, फेक व्यूज़, ऐसे जितने भी ये वेबसाइट या चैनल्स हैं जो इस तरीके के स्पैमिंग करते हैं, तो ऐसे चैनल्स पे या ऐसे किसी वेबसाइट पे आपके चैनल की कोई वीडियो या आपके चैनल का लिंक डला हुआ है तो फ्रेंड्स एक गलत रेफरेंस जाता है, सर्च इंजन ऑटोमेटिक मान के चलता है कि ये स्पैम है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ से ही गलत रेफरेंस जो है देखने को मिलता है और लो क्वालिटी बैकलिंक्स देखने को मिलती है। लेकिन हाई क्वालिटी बैकलिंक्स का बहुत ज़्यादा एडवांटेज देखने को मिलता है। जैसे किसी बड़ी वेबसाइट ने या किसी बड़े ब्लॉग ने आपके चैनल की किसी वीडियो को अपने चैनल में यानी अपने ब्लॉग में डाला हुआ है अपनी वेबसाइट में, तो उसका एक एडवांटेज देखने को मिलता है कि उसमें वहाँ पे डू फॉलो लिंक देखने को मिलता है, यानी सर्च इंजन भी उसको फॉलो करता है और यूज़र भी उसको फॉलो करता है। तो आई थिंक आप जो है अच्छे से जान गए होंगे कि लो क्वालिटी और हाई क्वालिटी बैकलिंक्स में क्या डिफरेंस है।
तो फ्रेंड्स हमने जाना कि बैकलिंक्स क्या होते हैं, इसके क्या क्या एडवांटेज हमें देखने को मिलते हैं। मिला जुला के फ्रेंड्स ये बात है, अगर आपके पास हाई क्वालिटी बैकलिंक्स है, डू फॉलो लिंक्स को जो फॉलो करती हैं, तो फ्रेंड्स ये मान के चलिए कि आपका जो चैनल है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो होगा। लेकिन अगर यहाँ पर लो क्वालिटी बैकलिंक्स है तो आपका चैनल डाउन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, आज के डेट में यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जहाँ पे लोगों को बताया जा रहा है कि आप सिंगल क्लिक में ऐसे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, इन वेबसाइट्स पे जाइए, अपने वीडियो का यूआरएल ऐड कीजिए, अपने वीडियो की आईडी ऐड कीजिए और वहाँ पे पोस्टिंग स्टार्ट कर दीजिए। एक बार में 500,000 वेबसाइट्स पे जो है सिंगल क्लिक में आपकी जो है वीडियो पोस्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये गलती मत कीजिएगा, आपके चैनल पे दिक्कत आ जाएगी। ऐसा ना हो कि आपका चैनल स्पैम हो जाए, अगर ग्रो होने वाला भी होगा तो वो डाउन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसी जगह अपनी वीडियोस को पोस्ट मत कीजिए, कोई भी शॉर्टकट जो है यूज़ मत कीजिए, अपनी वीडियो को खुद से ऑप्टिमाइज़ कीजिए, खुद से रैंक कीजिए। देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, आप करिए। और हाँ, अगर आपको बैकलिंक चाहिए किसी वेबसाइट से या किसी दूसरे चैनल से, आप वहाँ पे खुद उस चैनल के पास जाके मेल कीजिए कॉन्टैक्ट पर्सन को, ठीक है, कि आप अपने चैनल के फीचर सेक्शन में हमारे चैनल को ऐड कर दीजिए, या किसी दूसरी वेबसाइट में अगर आप ऐड करवाना चाहते हैं तो उन कॉन्टैक्ट पर्सन से मेल करके कराइए। अगर कोई पैसे भी लेता है तो फ्रेंड्स कोई बुरी बात नहीं, अगर आप वहाँ पे पैसे भी देंगे तो आपको एक ऑथेंटिक बैकलिंक देखने को मिलेगा, ठीक है, डू फॉलो बैकलिंक वहाँ पे देखने को मिलेगा, जिससे आपको एडवांटेज ही देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं आप सभी का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।